कोई भी अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति इन पांच व्यवसायों को शुरू करके कर सकता है अच्छी खासी मोटी कमाई। यदि आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं या किसी कारणवश अशिक्षित ही रह गए हैं और इस वजह से उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, तो उन्हें आप कुछ पैसे कमाने वाले बिजनेस के आइडियाज दे सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ बिजनेस आइडियाज आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए बिजनेस के आइडियाज। दूध की होम डिलीवरी का बिजनेस। सुबह होते ही जब दरवाजे की घंटी की आवाज आती है, तो उसी के बाद से आपके दिन की शुरुआत होती है। ये घंटी बजाने वाला दूध वाला होता है, जो कि रोज सुबह से लोगों के घर घर जाकर दूध देते हैं। दूध देने का काम करने वाले लोग अधिकतर अनपढ़ होते हैं या फिर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के लिए घर में जाकर दूध देना ही आजीविका का साधन बन जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये दूध वाले खुद की डेयरी खोल सकते हैं, उन्हें लोगों के घर में दूध की होम डिलीवरी करने की आवश्यकता क्या है। तो हम आपको बता दें कि दूध डेयरी खोलने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, और अगर वो अपनी डेयरी खोल भी लें तो लोगों को दूध डेयरी में दूध लेने की बजाय उसकी होम डिलीवरी ज्यादा पसंद आती है। इसके लिए वो ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं, इसलिए इससे लोगों की कमाई ज्यादा होती है। गाड़ी धुलाई सेंटर। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए गाड़ी धुलाई सेंटर खोलना भी पैसे कमाने का बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है, क्योंकि आज के समय में अधिकतर लोगों के पास गाड़ी होती है। ना सिर्फ दो पहिया वाहन बल्कि चार पहिया वाहन भी आज के समय में अधिकतर लोगों के पास होते हैं। यदि आप कम पढ़े लिखे हैं या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि अनपढ़ या कम पढ़े हैं, उन्हें आप ये बिजनेस करने की सलाह दें। इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। इसमें आपको 15,000 से 20,000 रुपए तक की प्रतिमाह आमदनी हो सकती है। सब्जी का बिजनेस। गांव के अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों के लिए अगला बिजनेस आइडिया है सब्जी का बिजनेस। इस बिजनेस में आपको रोज मंडी से सब्जी सस्ते दामों में खरीदकर उसे अपने मुनाफे के साथ बेचना होगा, जिससे आपकी अच्छी आमदनी हो सके। सब्जी एक ऐसी चीज है जिसे लोग रोज ताजी खरीदते हैं, इसके लिए वो अधिकतर बाजार जाते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने में ज्यादा निवेश की भी आवश्यकता नहीं है। आप रोज सब्जी लगभग 300 रुपए में खरीदकर उससे प्रतिदिन 1,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। पंचर एवं हवा बिजनेस। गाड़ी चाहे छोटी हो या बड़ी, जब वो पंचर होती है तो उसके टायर एवं ट्यूब को ठीक कराने के लिए लोगों को पंचर की दुकान में उसे लेकर जाना पड़ता है। इस बिजनेस को करने के लिए शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, बस आपको गाड़ी के पंचर से संबंधित सभी जानकारी होनी चाहिए। इस बिजनेस को करने में कुछ शुरुआती निवेश करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन बाद में ये बिजनेस महीने के 12,000 से 15,000 रुपए कमाने में आपकी मदद करेगा। चाय स्टॉल। हमारे देश में लोगों की सुबह चाय के साथ होती है। वो अपने घर से निकलते ही सबसे पहले चाय की टपरी पर जाते हैं, और दिन में भी जब वो अपने काम से फ्री होते हैं तो चाय पीते हैं। ऐसे में चाय का स्टॉल हर गली एवं नुक्कड़ पर दिखाई देता है, और ये स्टॉल लगाने वाले लोग अधिकतर कम पढ़े लिखे या गांव देहात के लोग होते हैं। लेकिन यही लोग आज प्रतिमाह 10,000 से 12,000 रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। अतः आपके लिए ये व्यवसाय करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसे करने में आपको कुछ ज्यादा निवेश नहीं करना है, बस आपको जो भी निवेश करना है वो चाय बनाने के लिए उपयोग होने वाले बर्तन एवं ठेले आदि की ही आवश्यकता होती है। तो ये थे कुछ आसान से कम पढ़े लिखे और अशिक्षित लोगों के लिए बिजनेस आइडियाज। इससे कोई भी व्यक्ति जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है वो शुरू कर सकता है और पैसे कमा कर अपना घर चला सकता है। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।